दोस्तों ये चीज़ जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सफ़ेद रंग की चीज़, इस चीज़ से आपके गुलाब के पौधे में जो नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही थी, क्योंकि इस समय जो है गुलाब का पौधा जो है, अब क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट होने वाला है तो गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग अच्छी होती है विंटर सीजन में। अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में अभी करेंगे तो आपके गुलाब के पौधे में जो नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही थी वो थोड़ा सा जल्दी ग्रोथ अच्छी होगी और इस पौधे में फ्लावरिंग भी आगे आने वाले पीरियड में बहुत अच्छी आप ले पाएंगे। तो इस चीज़ का प्रयोग कैसे करते हैं और ये चीज़ है क्या और इस चीज़ को पौधों में किस तरीके से दिया जाता है, ये मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो बरसात का समय है अब जाने वाला है, तो बरसात के बाद अगर गुलाब के पौधे में अगर प्रूनिंग कर दी जाए, हार्ड प्रूनिंग, तो इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और नई ग्रोथ से जो फ्लावरिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि गुलाब का पौधे में अगर जो पुरानी हमने जो फ्लावरिंग ले रही थी, अगर उसमें प्रूनिंग नहीं करी तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग आप आने वाले समय में नहीं ले पाएंगे। मैंने गुलाब के मेरे जितने पौधे हैं मैंने सब में हार्ड प्रूनिंग कर दी है। ये देखिए मैंने यहाँ से ये जितने इसमें फ्लावरिंग आ गई थी सब में प्रूनिंग कर दी है और इसमें नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए कई जगहों से इसमें नई नई ग्रोथ आपको दिख रही होगी। अगर हमने इसकी अभी केयर नहीं करी तो आने वाले समय में इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं ले पाएंगे। ये देखिए मैंने गुलाब के कुछ पौधे यहाँ भी हैं मेरे एक, ये देखिए तो इसमें भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है। तो इस समय आप इसके गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि ये समय उचित है गुलाब के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने का। और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, हार्ड प्रूनिंग में क्या है, आप इसमें जो कटिंग करेंगे उसमें आप हल्दी का पेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि गुलाब का जो पौधा होता है इसमें डाईबैक की समस्या आ जाती है। अगर आप कटिंग करेंगे इसमें पानी आने लगता है तो इसमें डाईबैक की समस्या आ जाती है। इस डाईबैक इस तरीके से होता है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये ब्लैक ब्लैक, ये आपका पौधा की जो नई ग्रोथ आ रही है उसमें भी पूरा ये जो स्टेम होती है पूरी ब्लैक हो जाती है इस तरीके से। ये मेरी पुरानी स्टेम है इसलिए ब्लैक दिख रही होगी आपको। नई स्टेम जब ब्लैक होने लग जाएगी तो समझिए आपका पौधा जो है डाईबैक की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ डाईबैक की समस्या कहाँ पर से स्टार्ट होती है। ये जो मेरा ये पौधा है इसमें देखिए मैंने यहाँ से कटिंग करी थी, इसमें पानी लगा होगा तो इसमें देखिए ये जो ब्लैक आपको कलर दिख रहा है स्टेम में, तो ये डाईबैक की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसकी अभी केयर नहीं करूँगा सही से तो ये पौधा धीरे धीरे पूरा डाईबैक हो जाएगा। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा गुलाब का पौधा डाईबैक ना हो उसकी समस्या से भी आपको जो है अवगत कराऊंगा, कि जिससे कि इसमें डाईबैक की समस्या ना आए। तो सबसे पहले तो आप जब गुलाब का पौधा जब बरसात होती है उसमें फंगस लगने का डर जरूर रहता है, क्योंकि जब गुलाब का पौधे में जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसमें इसकी जड़ों में भी फंगस लग सकता है। जड़ों से जो है इसकी स्टेम में धीरे धीरे फंगस की समस्या आने लग जाती है। फंगस की वजह से ही जो है इसमें ये देखिए पत्तियाँ भी पीली हो जाती हैं, और पत्तियाँ पीली होगी तो समझ लो इसमें थोड़ा बहुत फंगस की मात्रा स्टार्ट हो गई है। तो आप जितनी भी ये जो पत्तियाँ वगैरह हैं जो पीली पत्तियाँ इनको आप निकाल दीजिए। पीले पत्ते अगर होंगे तो पौधा अच्छा भी नहीं लगेगा और पौधे में जो है जो पीली पत्तियाँ होती हैं उससे क्या होता है दूसरे जो पत्तियाँ होती हैं वो भी पीली होने लगती हैं और जो पौधा हल्के हल्के ख़राब होने की स्थिति में आता है और कई बार तो पौधा मर भी जाता है। तो आप सबसे पहले जो पीली पत्तियाँ वगैरह जो हैं सब निकाल दीजिए और इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए इस तरीके से। हार्ड प्रूनिंग से अभी डरिए मत, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग जो फूल खिले भी हैं हल्के उसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए आप, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग करेंगे तभी इसमें आने वाले समय में अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसकी मिट्टी, आप इसको एक दो दिन इसकी गुड़ाई करके हल्की हल्की गुड़ाई करके इसमें इसको जैसे इस तरीके से एक दो इंच इसकी गुड़ाई करी और जो इसकी ऊपर की मिट्टी होती है जो गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी होती है उसको आप निकाल देंगे और इसको एक दो दिन धूप में रखेंगे और बगैर पानी दिए, क्योंकि इस बरसात में इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो और अगर आपकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं नई ग्रोथ अच्छी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप एक दो इंच की ऊपर की गुड़ाई करके इसकी जो मिट्टी है जो गुड़ाई करने के बाद जो मिट्टी है उसको निकाल के साइड कर दीजिए और इसको धूप में सूखने दीजिए। इस तरीके से आप मिट्टी निकाल देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे पौधे में, मैंने इसकी जो मिट्टी निकाली थी और इसको एक दो दिन सूखने के लिए रखा था, ये देखिए ये बिल्कुल सूख गया है अंदर से, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं है। तो इस तरीके से आप इसकी मिट्टी निकाल देंगे।
और उसके बाद इसको एक दो दिन सूखने के बाद इसमें जो है गोबर की खाद यूज करेंगे। गोबर की खाद जो है आप जैसे देखिए ये गोबर की खाद है, इसको एक मुट्ठी लेंगे और इसमें इस तरीके से दे देंगे। जो मिट्टी निकाली थी उसको हटा के आप गोबर की खाद यूज करेंगे। इस तरीके से आप गोबर की खाद डालेंगे इसमें, लगभग लगभग आप कम से कम इसमें 200 ग्राम गोबर की खाद ऊपर से डाल दीजिए। गोबर की खाद डालने के बाद दोस्तों जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा था वाइट कलर की स्टार्टिंग में, वो देखिए ये चीज़ है। ये चीज़ पौधे का जो आपके गुलाब के पौधे हों या कोई भी पौधा हो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इस चीज़ का प्रयोग आप अपने पौधे में करेंगे तो आपके पौधे भी अच्छे ग्रोथ करेंगे और इसमें फ्लावरिंग भी आप भरपूर मात्रा में ले पाएंगे। तो ये चीज़ है फिटकरी। फिटकरी यानी जो एलम होता है या इसको पोटास एलम भी कहते हैं, इसमें जो है पोटेशियम की मात्रा 15% रहती है। तो आप इसको अगर यूज करेंगे अपने पौधे में तो आपके पोटेशियम की वजह से इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी और पौधे भी अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए और उसमें फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपको इसका यूज कैसे करना है ये देखिए। जैसे मैं ये फिटकरी आप लाया हूँ मार्केट से, आप भी लाएंगे तो ये बहुत सस्ती मिलती है और इतना टुकड़ा आपके बहुत पौधों के लिए काम आ जाएगा। तो आप इसमें से देखिए एक छोटा टुकड़ा लेंगे, ये देखिए एक चम्मच करीब आपको फिटकरी लेनी है। अगर आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये टुकड़ा है इसको आप पौधे की ऐसे जो जड़ है उसके साइड में जो मिट्टी है उसमें इस तरीके से डाल के इसको दबा देंगे और ये धीरे धीरे घुल के पौधे को जितनी मात्रा है पोटास की आवश्यकता होगी वो इसमें से ले लेगा। एक तरीका तो यह है। और एक तरीका है आप इसको इस तरीके से कोई ईमान जस्ते में रखकर या किसी भी चीज़ में इसको हल्का हल्का तोड़ लेंगे। फिटकरी बहुत फ़ायदेमंद होती है पौधों के विकास के लिए, तो आप फिटकरी का यूज ज़रूर करें और ख़ासकर अपने गुलाब के पौधों में। इस तरीके से इसको तोड़ देंगे और इसको तोड़ने के बाद आप जो एक लीटर पानी रख रखा इसमें इसको मिला देंगे। ये जो है पानी में मिलने के बाद घुल जाएगी। घुलने के बाद आप इसका इस तरीके से घोलने के बाद आप इसको जो पानी का स्प्रेयर होता है उसमें डाल के, ये एक लीटर पानी में मैंने जो दाल लगी है फिटकरी, आप इस तरीके से इसको इसमें डाल के पौधों के जो है पत्तों में स्प्रे नहीं करना है इस चीज़ का, क्योंकि ये इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है तो आपके पौधों के जो पत्ते हैं उनको ये जला भी देगा। तो इस तरीके से आप इसमें डाल के ये फिटकरी को आप ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि ज़्यादा यूज करने से भी आपके पौधे की जो मिट्टी है उसका पीएच लेवल भी बिगड़ सकता है। तो इस तरीके से आप इसको एक लीटर पानी में ऐसे करके आप पौधे की जो मिट्टी है उसमें दे सकते हैं। पौधे की मिट्टी में अगर इसको देंगे तो ये जल्दी अवशोषित होकर पौधा इसको ले लेगा। तो इस तरीके से आप इसको दें, या आप इसका एक काम और कर सकते हैं, अगर आपने अपने गुलाब के पौधों में इसको देना है तो आप इस तरीके से कोई जिस चीज़ से आप पानी डालते हैं कोई जग वगैरह उसमें इस पानी को ले लीजिए और इस तरीके से आप अपने पौधों में दे दीजिए। क्योंकि गोबर की खाद और गोबर की खाद में भी बहुत प्रकार के जो हैं पौधों के पोषक तत्व होते हैं और इसमें अगर पोटास मिल जाए, पोटास यानी ये पोटास एलम, तो आपका पौधा डायबैक भी नहीं होगा। इससे जो डायबैक की समस्या आती है गुलाब के पौधे में वो भी नहीं रहेगी और आपका आने वाले समय में पौधा जो है स्वस्थ होकर बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो पोटास का उपयोग मतलब ये एलम जो होती है एलम पोटास ये फिटकरी, इसका उपयोग आप जो पौधों में जो कीड़े वगैरह लगते हैं या पौधों की जड़ में जो फंगस वगैरह लगता है उसके लिए भी यूज होता है। ये फंगीसाइड के रूप में भी काम करता है, या पौधों में जो चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं तो उसके लिए भी ये जो है बचाव का कार्य करता है। तो आप फिटकरी का जो टुकड़ा है उसका चूरा बनाकर अगर अपने पौधों की जड़ में या जहाँ से इसमें होल होता है पौधे की जो बेस होता है इसमें अगर वो फिटकरी के टुकड़े को चूरा बना के इसमें डाल देंगे तो आपके पौधे में चींटियाँ भी नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से आप अपने पौधे की जो है सुरक्षा कवच बना सकते हैं पोटास एलम को यूज करके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आगे शेयर भी कर दें, क्योंकि कई लोगों की जो क्वेरीज होती है कि हमारे गुलाब के पौधे में डायबैक की समस्या आ रही है
या पत्तियाँ पीली हो रही हैं या पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए आप इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।